नमस्कार, मैं विनीता तिवारी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी, जो कि बीजेपी के मेंबर भी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन मीडिया टीवी। धन्यवाद धन्यवाद। तो एक विधायक होने के नाते इस कोरोना काल में आप अपनी तरफ से जनता की मदद करने के लिए कौन कौन से फर्ज दे रहे हैं? अभी मेरी डीएम साहब से 3-4 दिन पहले फोन पे बात हुई है और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक कोविड हॉस्पिटल 100 बेड का मैं बनवाने की इच्छा रखता हूँ। हमने कहा बिल्कुल बनवाइए। कहें ना आप 50 लाख रुपया दे दीजिए हमको जनरेटर के लिए। हमने कहा बिल्कुल दे दूंगा विधायक निधि से। तो मैं एक काम तो ये करने जा रहा हूँ, डीएम साहब का प्रस्ताव है और हम लोगों से मुख्यमंत्री के यहाँ से भी और जगह से भी निर्देश है, हम लोग उसके तरह एक काम तो ये कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र में लोगों की तरफ पूरा हम लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे दिक्कतें आ रही, हम लोग जनता के संपर्क में हैं और जैसे ही हम लोग लगे हैं कोई दिक्कत आएगी उसे पूरी तरह हम लोग पूरा करने का काम करेंगे जी। तो जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें तो आपके क्षेत्र में कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे? हमारे यहाँ जो जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कौड़ियार है, होलागढ़ है, चोराव है, इन सब जगहों पे वैक्सीनेशन सेंटर हैं और लग रहे हैं, वैक्सीन लग रही है। तो अगर हम ये मतलब कोई नए वैक्सीनेशन सेंटर्स वहाँ पे खुले हैं आपके क्षेत्र में या नहीं इस समय? अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, इतने ही से काम चल रहा है, कोई बहुत दिक्कत नहीं आई हमारे क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आपको कौन कौन सी सहायता मिल रही है, कैसी मदद मिल रही है आपको सरकार की तरफ से? देखिए सरकार की तरफ से तो हर तरह की सुविधा, बीच में जब शुरुआत ये सेकंड वेव में दो दिक्कत हुई थी एक हफ्ते, क्योंकि मरीज एकाएक बढ़ने लगे थे, हमारे क्षेत्र में भी स्थितियां गड़बड़ हो गई थी, ऑक्सीजन की कमियां हो रही थी, लोग 12-12 बजे रात फोन कर रहे थे, थोड़ा अस्पतालों में भी भरमार थी, लेकिन हम लोगों से जो भी हो सका, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे हमारे यहाँ एक प्राची हॉस्पिटल है शांतिपुरम में, एक विनीता हॉस्पिटल है फाफामऊ में, तो हम लोगों ने यहाँ प्रयास करके लोगों को जो भी सुविधा हो सकी, भर्ती कराने से लेकर के ऑक्सीजन तक देने का काम किया। कुछ लोगों को उस समय हम लोग ऑक्सीजन उपलब्ध भी नहीं करा पाए, ये हमारी मजबूरियाँ भी थे, हमने प्रयास किया नहीं हो पाया, लेकिन अब स्थिति ठीक है इस समय कोई बहुत। तो आपके जो क्षेत्र में, आपके जो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ग्राम प्रधान हैं या फिर जितने भी ऐसे जैसे बोला जाए कि जितने भी नेता हैं या फिर जो भी अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जी, वो कितनी मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल में जनता की? हम लोगों के यहाँ पूरा सहयोग है, ऐसी कोई बात ही नहीं आई थी। जो भी पार्टी में, चाहे समाजवादी में है, चाहे बसपा में है, या भाजपा में है, या अन्य पार्टियों से जो भी बिलोंग करते हैं, अभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं आपस में आई है, सबका कोऑर्डिनेशन है पूरी तरह। तो आप फिर भी बहुत अभी, हालांकि आपके आपने जैसे बताया कि आपके क्षेत्र में सब चीजों की जो सुविधा है वो अब धीमे धीमे काफी सही हो चुकी है, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी नेता हैं चाहे वो दूसरे पार्टी के हो, चाहे आपकी पार्टी को, चाहे जितने भी ग्राम प्रधान है, वो अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप सरकार से ऐसी कौन सी मांग करना चाहेंगे जिसमें लगता हो कि उसमें सरकार को थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए सरकार पूरी तरह, खुद ही योगी जी एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ, डिप्टी सीएम साहब हैं, उप मुख्यमंत्री केशव जी, वो तो एक हफ्ते से ऑलरेडी प्रयागराज में ही बने हुए हैं, अभी भी हम लोग उन्हीं के साथ बैठक में थे, तो हर तरह से अभी देखिए वो, उन्होंने भी यहाँ पे स्वरूप रानी हॉस्पिटल गए और वहाँ यूनाइटेड में देखिए गए और वहाँ शंभूनाथ में उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया, तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं तमाम, सब उनके भी सहयोग से और सब सहयोग से, राशन की कहीं कोई किल्लत नहीं आ रही है, प्रधानी का चुनाव इसी में देखिए ग्राम पंचायतों का से लेकर जिला पंचायत का हुआ, उसमें भी हम लोग 1 महीने क्षेत्र में पूरा व्यस्त रहे और राशन सरकार फ्री ही देने जा रही जिसकी शुरुआत होने जा रही है, कोई ऐसी खाने पाने की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लॉकडाउन चलेगा तो दिक्कतें आएंगी, हम लोग पूरा सतर्क हैं क्योंकि पिछला हम लोग झेल चुके हैं, इसलिए पहले से ही सतर्कता बनाई गई है।
तो जैसा कि आप सबको पता है, आपको भी पता है कि गांव का जो, गांव में जो क्षेत्र होता है, जितने गांव होते हैं उसमें किसानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जी आप लोग मतलब इस समय क्या है कि किसानों को भी उतना ही लॉस होता है जितना बाकी लोगों को होता है, तो जी जी किसानों को लेकर क्या खास कर रहे हैं आप? देखिए किसानों को, एक तो देखिए अभी प्रधानमंत्री को भी मैं अभिवादन भी करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि यूपी के किसानों को देखिए अभी परसों ही उनके खाते में पैसा चला गया, सबके किसानों के खाते में यूपी में सबसे ज्यादा पैसा आया, उसमें प्रयागराज भी है। बहुत से किसानों के बहुत से खाते में पैसे आए, बहुत से लोगों ने फोन करके बताया कि विधायक जी हमारे खाते में पैसा आ गया, और सब स्थितियां हैं। अभी तो देखिए अभी गेहूं की कटाई उटाई, सरसों की, आलू की खुदाई, ये सब में ही किसान व्यस्त रहा, ऐसी कोई बहुत दिक्कत भी नहीं है, खाते में पैसा चला गया। बाकी हम लोग बराबर बने हुए, पूछ भी रहे कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे व्यूवर्स हैं या फिर जो भी जनता है, आप उनको इस कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे आप क्या देखिए बोलना एक तो चाहते हैं? आप लोगों का भी मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि आप लोग कोरोना काल में जिस जागरूकता से आप मीडिया के लोग भी काम कर रहे हैं, पूरी जनता को हर तरह से वैक्सीन से संबंध में, और बहुत सी जो कमियां हैं सरकार की या प्राइवेट लोगों की, जो लोगों ने देखिए ऑक्सीजन बेचने का काम किया, तमाम लोगों ने चाहे यूपी में चाहे दिल्ली में, तमाम उनको आप लोगों ने उनको डिस्पोज करने का काम किया, इसके लिए आपको पहली बधाई। दूसरा हम कर्मचारियों को भी बधाई देंगे, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी हैं, सब प्रशासन के लोग जो कोरोना काल में पूरी तरह काम कर रहे हैं उनको भी बधाई। दूसरी चीज इसका एक इलाज जो है सतर्कता है, मास्क लगाना, 2 गज दूरी, अब तो 5 गज की भी दूरी चल रही है, और थर्ड वेव की भी तैयारी, हम लोग आए ना आए लेकिन ये तैयारी चल रही कि अगर आ गई तो हम लोग उसका भी किस तरह सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, उसके लिए भी हम पूरी तरह सतर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मीडिया के लोगों सबको, आप लोग इस कोरोना काल में जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, विक्रमाजीत मौर्य जी ने जैसे अभी हमें बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ग्राम प्रधान हो, चाहे जितने भी जो भी शासन प्रशासन है, वो किस तरह से लोगों की सहायता कर रही है, वो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो जो जितनी भी आम जनता हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, उनके लिए हर एक प्रयास कर रही है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने काफी चीजें हम लोग को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप, अभी के शुभकामनाएं, लिए इतना ही, देखते रहिए जनमीडिया टीवी। धन्यवाद।